इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गूगल मैप में ऑफलाइन मैप क्या होता है। तो इसके बारे में हम बताएंगे कि ये क्या चीज़ होती हैं ये और इसका क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहले तो हम बैक आ जाते हैं और गूगल मैप्स में जाते हैं और ऊपर राइट साइड में आपका प्रोफाइल दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऑफलाइन मैप्स। तो जैसे आप ऑफलाइन मैप्स में जाएंगे तो देखिए ऑफलाइन मैप का मतलब क्या होता है कि यहाँ जो डॉट दिख रहे हैं तो डॉट पे जैसे जाते हैं तो जिस एरिया में आप हैं तो उस एरिया को आप चाहते हैं कि कभी आपका इंटरनेट ख़त्म हो जाता है, कभी आपका मोबाइल में सर्वर काम नहीं करता है तो फिर आप जाएंगे उस पहले तो लोकेशन को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और ये जो ब्लू कलर का डॉट लिखा हुआ आ रहा है और इसके बाद जाएंगे फिर से आप प्रोफाइल पे और ऑफलाइन मोड पे जाएंगे और ऑफलाइन मोड पे जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देता है सेलेक्ट योर ऑन मैप्स। तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो आप जहाँ पर हैं वहाँ का अगल बगल का लोकेशन वो यहाँ पे आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपका क्या होगा कि आप ऑफलाइन अपने इस लोकेशन को आसानी से देख सकते हैं अपने मोबाइल को बंद करके। तो यही इसका मतलब है, बंद करके नहीं, मतलब कि इंटरनेट अगर नहीं रहे या सर्वर काम नहीं करे तो आसानी से आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ डाउनलोड इसलिए नहीं हुआ है कि इंटरनेट हमारा थोड़ा सा स्लो है, यहाँ पे जैसा कि दिखा रहा है डाउनलोड हो रहा है तो थोड़ा सा रीट्राई भी करके डाउनलोड कर लेंगे। तो यही इसका प्रोसेस है और यही इसका मीनिंग है। तो अगर यहाँ पे वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।